नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। हम पहुंचे हैं उन्नाव में, जो कि कानपुर और लखनऊ के बीच में एक शहर है और कलम और तलवार की भूमि भी कहा जाता है। मौजूदा विधायक यहां से विधायक पंकज गुप्ता जी हैं, बीजेपी के। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। तमाम दल के नेता हमारे पास पहुंचे और हमेशा की तरह बीएसपी नहीं पहुंची है, शायद उनकी अलग रणनीति है चुनाव लड़ने की। वो तय करेंगे कि कब उन्हें जनता के बीच में जाना है नहीं। आपका परिचय करा देते हैं, विधायक पंकज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। अभी उपचुनाव में 2014 में हमें यहाँ पर जनता ने एक सेवा करने का अवसर प्रदान किया और मुख्य रूप से विकास का एजेंडा, क्योंकि ये जनपद की मुख्यालयी विधानसभा है, जनपद की उन्नाव नगर सदर की विधानसभा है, यहाँ से मुझे अवसर मिला काम करने का। जो विषय हमने मुख्य रूप से लिया वो विकास का एजेंडा लिया। उन्नाव सदर की बात कर लीजिए, उन्नाव सदर जो अंग्रेजों की बनाई हुई, उन्नाव से शुक्लागंज की रोड थी, 60 साल पहले अंग्रेजों ने बनाई होगी वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस रोड को 4 लेन बनाया, उसके बाद उन्होंने देखा साइकिल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए दिक्कत होती, तो साइकिल ट्रैक भी बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसकी आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है सरकार द्वारा। प्रदूषित पानी है जिसमें आर्सेनिक और क्रोमियम की मात्रा इतनी अधिक होती है, जिसके बाद यहाँ पे लोगों को जो पानी है बाहर से परचेज करके पीना पड़ता है। और पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीशन का और पानी का आप बता रहे थे कि यहाँ शादियां करने के लिए लोग तैयार नहीं है, यहाँ की लड़की को नहीं लेना चाहते कि कहीं और शादी करके जाए, या अपनी लड़की यहाँ उन्नाव में नहीं भेजना चाहते क्योंकि डर है कि जिस तरह का फ्लोराइड पानी है बच्चे भी अपंग पैदा हो सकते हैं। ये मुद्दा है आप लोगों की जानकारी में कि नहीं है? ये परेशानी है, बड़ा मुद्दा है, उन्नाव सदर का बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? जब इनके सांसद जीते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस समस्या पे ध्यान दूंगा। जो 5 इनके बूचड़ खाने थे यहाँ पर, उन स्लाटर हाउस को उन्होंने लिखित में कहा था कि हम जो है बाकायदा पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि हम इनको बंद करा देंगे। आज 5 की जगह 8 हो गए। आपको भी पता है कि बूचड़ खानों की एनओसी देने का काम प्रदेश की सरकार करती है, और जब से प्रदेश में सरकार बनी है हटाने बढ़ गए ना सर, सवाल ये नहीं है सर, सवाल बढ़ गए। तो हटाने के बजाय 2-2 को और एनओसी देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। भारत सरकार इसका लाइसेंस देती है मेरी जानकारी, और केंद्र सरकार के समय में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने। हमारी सरकार तो 2 साल पे है, यह आज की समस्या थोड़ी है, इन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार जितने भी उद्योग है उनका बाहर भेजने का, आयात निर्यात का लाइसेंस देने का काम करती है। मात्र सिटी जेल रन को, जिससे इनका पानी गंगा जी में प्रभावित होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं पक्का बनाने का काम करूंगा। वो तो 4 साल में नहीं कर पाए, लेकिन मैंने अपने निजी पैसे से उस पूरी ड्रेन को खुदवा के और बंधा बनाने का मैंने। आप प्रदूषित पानी का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल दूषित पानी का मुद्दा है, एक विषय ये नहीं है। इसके अलावा लूनी ड्रेन का मुद्दा है, वायु प्रदूषण का मुद्दा है। 300 गांव जो बांध में इस समय, जिनको बांध की जरूरत है, पानी भरा है, सूखा पड़ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी ज्यादा बढ़ जाता है, पानी आ जाता है, बारिश नहीं होती है। कितने गांव बताता है? कम से कम 300 गांव इस उन्नाव में जी। बंधा पूरे जनपद में बंधा हुआ, केवल मात्र 7 किलोमीटर शुक्लागंज से, और वो पास हो गया, अभी भी वो केवल बंधा बाकी रह गया लगभग परियर में और बांग जब 84 तक जो भी था 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर। 300 गांव प्रभावित है कि नहीं है मुझे बताइए। शुक्लागंज में बाढ़ की समस्या जहां थी 7 किलोमीटर की, अब दूर हो गई है? नहीं, दूर नहीं होगा, उसके लिए 1375 करोड़ रुपया पास हो गया है, अब वो काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। वो नोएडा से, मैंने यहाँ से कागज गया था नोएडा से, उसके स्वीकृति होकर के आ गया, उस पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। अच्छा, उन्नाव में बहुत से तालाब थे जो अब पट गए हैं, ये जी ये तालाब कहाँ गए भाई? तालाब कहाँ गए उन्नाव के? उन्नाव के जो तालाब थे 10 साल में पट चुके हैं, वो तालाब को कहाँ, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, उसका जवाब दे दीजिएगा आप लोग मिलके। उन्नाव की जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की, पानी जल निकासी की, उसके लिए आपने क्या किया? ड्रेनेज की बहुत बड़ी वास्तव में समस्या है, और जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष हुआ तो सबसे पहले मैंने सैटेलाइट से उन्नाव नगर पालिका का सर्वे करा के ड्रेनेज का कंप्लीट प्रोजेक्ट मैंने 147 करोड़ का बना के, उस समय बसपा की सरकार थी, भेजने का काम किया, और बसपा की सरकार जाने के बाद सपा की सरकार आ गई। वो प्रस्ताव आज तक प्रदेश में लंबे सपा ने करके दिया। आप जो महिला का सवाल था ठीक था ना, खाली योजना बनती है प्राथमिकता के हिसाब से काम, उसको केंद्र में इनको भेजना था। आज केंद्र में हमारी सरकार है, कल ये भेजने का काम करे, मेरा दावा 1 महीने में स्वीकृत करा के यहाँ पर मैं काम करा के आपको दिखा। ये पहली बार चेयरमैन बने थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आप शायद उस समय समाजवादी पार्टी से ही जीते थे। अच्छा। फिर जब सरकार बदली तो आप बसपा में चले गए, आपकी सरकार आ गई, और आज की तारीख नहीं, विधायक जी से, विधायक जी जब पहली बार, 3 पार्टी बदल चुके हैं विधायक जी। हाँ, वो बदलते रहते हैं टाइम टाइम। सरकार में जब से आई तब से तालाबों में लगातार कब्जा हो रहे, इसको आप निगरानी करा लीजिए, जांच करा लीजिए। मुझे इसमें बोलने कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग कब्जा करना बंद कर दीजिए, हर पेपर की कहा है।
कब्जा करना बंद कर दो। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं अब जमीन में कब्जा करना बंद करने के लिए किया। नहीं नहीं, अनुशासन यहाँ तो बना लीजिए। सबसे मेन विषय यह है कि उन तालाबों को पाटने के लिए, उन तालाबों को पाटने के लिए अवैध रूप से खनन करके मिट्टी कहां से लाई जा रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार हलफनामा दे रही है कि उत्तर प्रदेश में खनन नहीं हो रहा, रातों रात हजारों की संख्या में डंपर पूरे आते हैं, पूरे भरे जा रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सारा ड्रेनेज कब्जा कर लिया। इस पार्टी का मुखिया अपने कार्यकर्ताओं से गिड़गिड़ा रहा है, उसकी क्या बात करेंगे? नमामि गंगे योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उन्नाव शुक्लागंज में गंगा में क्या कहूंगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और उसका बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ मामला है। बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की नगरपालिका है, तो ये जो प्रदूषण की समस्या है इसको कैसे क्या कर रहे हैं? प्रदेश लेवल की बात है, वो राजेंद्र चौधरी जी प्रवक्ता है, वो हमारे बात करेंगे। मैं उन्नाव में सब ठीक है, उन्नाव में तो सारे ठीक है, उन्नाव प्रशासन सब ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन उन्नाव में बहुत ज्यादा बद से बदतर है। अभी आशुतोष मिश्रा आपकी बिरादरी के पत्रकार महोदय, उनकी हत्या हो गई, 10 दिन हो गए, नेम्ड FIR है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुरक्षा, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे जो प्रदेश में महिलाओं में ये बलात्कार के जो केसेस हो रहे हैं वो बढ़ते ही। सबसे बड़ा मुद्दा होगा दाल मुद्दा है, दाल सब्जी किचन का मामला है, वो सब मुद्दा नहीं है। वो तो मुद्दा है ही है, वो तो घरेलू मुद्दे है। जिंदा रहेंगे तब खाना खाएंगे। हाँ, जिंदा रहेंगे तो खाना खाएंगे, सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगा। क्या कोई भाजपा का ऐसा प्रदेश है जहां कोई बलात्कार की घटना कभी उनकी सरकार में न हुई हो? बुलंदशहर के बाद अभी राजस्थान में त्वरित घटना हुई 8। लेकिन उनके मंत्री ये नहीं कहते हैं ना कि राजनीतिक षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो जाती है और आप देखिए, अगर बुलंदशहर की घटना हुई तो उसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया गया। कृपया एक योजना ऐसी बताएं जिससे गरीब को, पूरे जनपद के गरीब को जो है फायदा मिल रहा हो। केंद्र सरकार की एक योजना ताजी उज्ज्वला योजना ले लीजिए, जनजवाब भी ले लीजिए ना सर। जनपद की बात छोड़िए, हमारी विधानसभा में 54,000 परिवारों को निःशुल्क बिना पैसे, एक विधानसभा में 54,000 को उज्ज्वल जो योजना, कितना समय हुआ है, कब से लागू हुई है? अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले चालू। 1.5-2 महीने में 54,000 आपने डिलीवर कर, 54,000 लोगों को देना है। और देना है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ मिला कितने को है, ये तो वादा हो गया। ठीक है भाई, आंकड़ों में बहुत काम दिखते हैं। फिलहाल उन्नाव सदर विधानसभा सीट से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ इतना ही। एक और विधानसभा में चलेंगे, वहां के मुद्दे आपके बीच में रखेंगे ताकि 2017 विधानसभा चुनाव में जनता अपना मूड और अपनी पार्टी अपने हिसाब से चुन सके। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, उन्नाव जिले की सफीपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। सफीपुर विधानसभा की तमाम जनता और नेता हमारे बीच पहुंच चुके हैं। फिलहाल 10 साल से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। सुधीर रावत जी मौजूदा विधायक हैं, जो कि अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, और तमाम जनता के सवाल यहाँ नेताओं से पूछेंगे। जब किस्सा कुर्सी का है तो हमारा तो सीएम तैयार है। अच्छा। इनका सीएम पता नहीं भी कौन है, पूछ लेंगे। सीएम नहीं, सीएम का नाम ही नहीं है, सीएम ढूंढ नहीं पाओगे, सरकारें नहीं बनी, सीएम क्या बनाओगे? आप लोग जवाब मत दीजिए। और हमारा हमारा सीएम जो था वो अभी लर्निंग में था, अब जो गाड़ी चलाएगा अब परमानेंट होगा। जब हमारा किसान ही सुरक्षित नहीं होगा, हमारा जन सामान्य से सुरक्षित नहीं होगा, तो हम आगे क्या कर पाएंगे? सबसे पहले हमारी कानून व्यवस्था को सुधारने का काम होगा। हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हमारे पास सीएम के लिए ऐसा चेहरा आएगा कि कभी हम किसी दुकान से उठाकर किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं और किसी को कहीं से लाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, और ऑनेस्ट नेता अगर किसी के पास में है हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों के पास, तो भारतीय जनता। क्या इस विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां अब तक मतलब 2016 तक बिजली आज तक नहीं पहुंची है? हाथ खड़े करके बताइए, है कि नहीं है? है ऐसे गांव? ये महिला मुस्कुरा रही है, इनके पास जवाब है। जी, ऐसे गांव है जहां बिजली आज तक नहीं पहुंची है? जी, हम बहुत से गांव गए जहां पे बिजली आज भी नहीं पहुंची है, और वहां के लोग बहुत परेशान हैं कि वहां की सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। ये मेन मुद्दा है लोगों का कि बिजली और सड़कें वहां की बहुत ही अव्यवस्थित है। जिस गांव में 300 तक आबादी होगी उस गांव में बत्ती जाएगी, अगर 300 के नीचे आबादी है तो उस गांव खेड़े में बत्ती नहीं जाएगी। क्या 300 से कम आबादी वाले गांव में बिजली की आवश्यकता नहीं है? है नहीं है। इनके मुख्यालय में CHC है, वहाँ पे मरीजों को जमीन पर लिटाया जाता है, बिजली नहीं आती है, प्रसव होता है। स्वास्थ्य मंत्री भी है ना, राज्य मंत्री? जी, स्वास्थ्य मंत्री है। मरीजों को नीचे लिटाया जाता है, जमीन में लेटे हुए पाए गए कई बार। सफीपुर ग्रामीण में जहाँ पे खड़ा हूँ, यहीं से 1 किलोमीटर के अंदर घेरे में जहाँ पे 1500 की आबादी है, वहाँ पे आज तक ना बिजली है, ना तार है, ना पोल। ले लेता और सवाल है।
मैं सपा प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो इन्होंने कहा कि सारे वादे पूरे हो गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों के साथ वादा किया गया था जो कि बैंक ऋण माफी का, तो अभी तक वो पूरा नहीं हो। सफीपुर के अंदर मेहंदीखेड़े नाम का एक गाँव है, इनकी समाजवादी से मेरा सरकार है, 5 साल की इनकी सरकार रही, फुल फ्लैश इनकी सरकार। क्या वजह है यहाँ पे अभी तक जो है न वहाँ की नाली है न सीवर सिस्टम सही है। स्वास्थ्य मंत्री सुधीर रावत जी, इनके ही सरकारी अस्पताल में न हड्डी का डॉक्टर है न पानी का। भाई स्वास्थ्य मंत्री है, राज्य मंत्री संतोष यादव जी आप लोगों के लिए सवाल आएंगे। नाली की बात बता रहे हैं, वहाँ के खुद प्रधान बैठे हैं, वहाँ के खुद प्रधान बैठे हैं, इनका बजट नहीं आता है। प्रधान जी है आता है, ये नाली नहीं सफा करा सकते हैं, नाली सुधीर रावत साहब करेंगे। सामुदायिक विकास केंद्र है, अपग्रेडेड है, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं आया। आज 30 बेड का डिस्पेंसरी है, कोई वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं लगाया गया, फुल स्टाफ नहीं आया है, और वहाँ पर एक आवास बना हुआ है करोड़ों रुपए का, वो ध्वस्त पड़ा हुआ है। जी इसका जवाब दे दीजिए। अब जैसे डॉक्टर बाब नहीं आया, आप जाकर के खुद जमीन लेट गए, उसके बाद कहते हैं जमीन लेटता है, बेड की व्यवस्था जितनी होगी उतनी। अच्छा मरीज को शौक है कि जमीन में लेटेगा वो जाके, वहाँ बेड नहीं होगा तो ही तो नहीं लेटेगा, ये क्या जवाब हुआ सर? समाजवादी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी दोनों से कि इसके पहले सुधीर रावत तो अब हुए हैं, इसके पहले 10 साल बाबूलाल रहे, उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, जब सरकार बनी थी 75 रुपए किलो दाल थी, आज 220 रुपए किलो दाल आ रही है, गरीब आदमी कैसे खा रहा है? दाल में तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा ना? दलालों ने दाल कांग्रेस के पीरियड में स्टोर कर ली थी, ये दलालों का। और 2.5 साल में आप उन दलालों को ना रोक पाए ना रेट कंट्रोल, 2.5 साल हो गया सर। सखीपुर से दबौली मार्ग जो सनात तरफ गया है उसमें गड्ढा है, वो गड्ढा कब बंद होंगे? और ये मंत्री जी के आदमियों ने इसे ठेकेदार के इसमें हमने प्रार्थना पत्र दिया। मेरा बसपा सरकार में चालान हुआ, हेलमेट भी था, प्रदूषण भी था, सारे कागज भी थे। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या, हमने कहा संतोष, उसने कहा आगे पीछे बताओ, तो हमने कहा पूछे कुछ नहीं, उसने कहा कुछ है जरूर, हमने कहा यादव, उसने चालान कराओ, हमने कहा क्यों, बोला चप्पल पहने हो। मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूँ, इनकी यूपी के नेता शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली आते वो बोझ है, वो वहाँ पर गंदगी फैलाते, तो मैं पूछना चाहता हूँ शीला दीक्षित जी क्या यहाँ गंदगी साफ करने के लिए आई? बाहर के आने वालों खराब समझते थे लेकिन यूपी के लोग खराब थोड़ी समझते थे। यूपी का नाम लेके कोर्ट किया था सर उन्होंने? नहीं, यूपी का कोर्ट किया था लेकिन वो यूपी की है, जो बात कैसे एक्सेप्ट करेगी भाई साहब, जैसे दादा वैसे सरकार। चलो सफीपुर विधानसभा सीट से इतना ही, यहाँ की जनता नेता फिर भी व्यवस्थित थे, जनता काबू से बाहर थी, आप तय कीजिए आप बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं। सफीपुर विधानसभा सीट से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। सीएम कौन नमस्कार, कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके पास। कल्याणपुर सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से सतीश निगम जी मौजूदा विधायक है, इससे पहले बीजेपी के पास थी, विधायक जी स्वयं हमारे साथ हैं। विधायक जी आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, किस रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाएंगे? मैं पूरे 5 साल जनता के बीच रहा और जनता के दुख और दर्द में शामिल रहा। मैंने कभी खुद को विधायक नहीं माना और जनता को मैंने जनता नहीं माना, अपने परिवार की तरह से मैंने उनको सम्मान दिया और उनके लिए काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा तो बीजेपी के लिए गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है, इसी से निजात जनता पा जाए यही जनता चाहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में है कि कल्याणपुर में भी है? उत्तर प्रदेश कल्याणपुर हर गली हर मोहल्ले में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से बिल्कुल भयमुक्त समाज है। गंदा नाला और जाम की जो व्यवस्था है, जीटी रोड पे जाम बना रहता है, इसको हम दूर करेंगे, इन दोनों समस्याओं को। इसी के साथ कल्याणपुर के नौजवानों को रोजगार मिले। कंपनी बाग से और गंगा बैराज को आने वाली सड़क पिछले 6 वर्षों से खराब है, अभी 2 महीने पहले विधायक जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। अच्छा। लेकिन सड़क अभी तक जैसी की तैसी पड़ी है। दिसंबर से जनवरी तक ये सड़क बन जाएगी, बरसात में तो सड़क बनेगी नहीं। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ जनता से कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो 6 महीने के अंदर जरूर बन जाए। एजुकेशन के लिए आपने भ्रष्टाचार गुंडागर्दी सभी के विषय में सवाल उठाए, एजुकेशन के क्षेत्र में आपका क्या है?
जब से गंगा बैराज बना हुआ है तब से तमाम बच्चे वहाँ डूब चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले करीब 6 बच्चे डूबे वहाँ पे। शासन अभार कहता है वहाँ सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, दूसरी जगह गोता गुजरू। गंगा बैराज का मामला है आपकी जानकारी में? 6 बच्चे डूब के मरे, अभी सेल्फी लेते हुए खींच के मरे। मेरा 33 साल से गीतानगर में प्रतिष्ठान है, वहाँ पे मेरी दुकान पे पिछले 1.5 महीने पहले चोरी हुई थी। वहाँ पे कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया और रातों रात सपा की सरकार और मिले हुए लोगों से छूट गए। कानपुर जो विकास का नारा ये लोग लगा रहे हैं, उसमें कानपुर का ऐसा कोई क्षेत्र बता दे जहाँ पर आज खुदाई होती है, सीवर लाइन पड़ती है, पाइपलाइन पड़ती है, उसके बाद वो रोड धस जाती है। सांसद जो है का नाम भोले सिंह जी है, भोले सिंह जी आज तक पूरे क्षेत्र में क्या कहीं ये पता कर लिए, कोई जानते नहीं होंगे और वो वोट लेकर चले गए। क्या उनका क्या उनको नहीं था कि विकास कराएं? एक बल्ब नहीं लगाया पुराने कानपुर? ये भोले सिंह जी से पूछिए, सांसद हमारे उनसे पूछे भाई, इनके पास जवाब नहीं है, ये सांसद से आप डायरेक्ट पूछिए, ये डायरेक्ट पूछिए आप। सर मैंने नहीं कहा, सर मैंने कुछ नहीं गलत कोट किया, आपने कहा है सर। तो मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक भी जमीन कब्जे वाले का कोई नाम दे। गरीब के लिए दाल भी महंगी हो गई, सब्जी भी महंगी हो गई, यहाँ तक कि आटा भी महंगा हो गया। गंगा बैराज में ये सही है कि वहाँ पर बहुत पानी तो गहरा ही, बैराज की वजह से पानी बहुत गहरा है, वहाँ पर नहाने का रिस्ट्रिक्शन है, कोई नहा नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है। बोर्ड भी लगे कोई नहाए नहीं, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही हो जाती है वहाँ। तो पुलिस को टाइट पर गोता नहीं वहाँ है, वहाँ पुलिस को टाइट भी किया गया और गोताखोर भी वहाँ पर बैठा लिए गए हैं। नावें भी लगी हैं, सरकार की भी नावें लगी हैं, प्राइवेट नावें भी लगाई गई, प्राइवेट गोताखोर भी बैठा लिए गए। लोगों पर नजर रखी जाती है कि कोई इस तरह की वहाँ पर पानी में कोई उतरने ना पाए। अब कल्याणपुर विधानसभा सीट से फिलहाल इतना ही, अब ये जनता तय करेगी कि इतना शोर यहाँ मच रहा है, कितना बूथ पर मचता है, अगर ये बूथ पे मचता है तो कितने परसेंट किसको वोट मिलते हैं, लेकिन यहाँ शोर बहुत ज्यादा है। फिलहाल कल्याणपुर विधानसभा सीट से इतना ही, कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज़।